Hello everyone, welcome you all to the Education Niketan platform. This initiative is a revision series for 67 BPSC exam, and this is the second video of this series where we are covering important places and news of world. In our first video we have covered the important places in India, and after that video we have received a request to cover these topics in bilingual format. So we'll try to cover this video in a bilingual format so that the students from both the mediums can understand these topics easily. So let's start this initiative with our first topic. So hamara jo pehla topic aaj ka hai, Semeru volcano, which is located in Indonesia eastern province, East Java province. So ये जो एक एक्टिव वॉल्केनो है जो लोकेटेड है इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रोविंस में, तो इसको द ग्रेट माउंटेंस भी कहा जाता है, द ग्रेट माउंटेंस भी कहा जाता है. और ये एक एक्टिव वॉल्केनो है जो स्थित है कहाँ पे, इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रोविंस में. नाम क्या है, सेमेरु. डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेमेरु वॉल्केनो कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रोविंस में, तो इसको याद रखेंगे. अगला टॉपिक हमारा है लेक चाड. लेक चाड कहाँ है, तो लेक चाड एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि कहाँ स्थित है, साहेलियन जोन ऑफ वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका. तो वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका का अगर मैप बना कर देखेंगे तो उसका हमको इमेजिन करेंगे कहाँ पर ये स्थित हो सकता है. ये इस तरह का कुछ रीजन है. इट इज़ सराउंडेड बाई फोर कंट्रीज, चाड, कैमरून, नाइजीर एंड नाइजीरिया. तो हम याद रखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है सराउंड करती है इस पूरे रीजन को, वो है चाड, कैमरून, नाइजर एंड नाइजीरिया. कहीं भी मैच करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है और इसको याद रखना है. साहेल रीजन के बारे में समझते हैं. ये रीजन अफ्रीका में स्थित है, सदर्न एज ऑफ सहारा डेजर्ट. कहाँ पे, सदर्न एज ऑफ सहारा डेजर्ट. तो वन ऑफ द पुअरेस्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट है ये, और ये यहाँ पे एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव स्टार्टेड अफ्रीका ऑफ द साहेल रीजन. किस लिए चलाया जा रहा है, जो सहारा डेजर्ट है उसका जो एक्सपेंशन है साउथ की तरफ, उसको रोकने के लिए एक ग्रैंड ग्रीन वॉल ऑफ इनिशिएटिव है जो कि सेनेगल से लेके जिबूती तक किया जा रहा है. करीब करीब ये 8000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जहाँ पे प्लांटेशन किया जा रहा है ताकि डेजर्टिफिकेशन के एक्सपेंशन को रोका जा सके सदर्न अफ्रीका की तरफ. क्योंकि आपको पता है सदर्न अफ्रीका और नॉर्दर्न अफ्रीका के बीच का जो रीजन है, ये अपने आप में तीनों अलग डिस्टिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा यहाँ के फॉरेस्ट जो हैं ये ख़त्म करता जाएगा. तो आप देख सकते हैं ये साहेल रीजन, ये सेनेगल से लेके जिबूती तक है, और इस रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, मॉरिटानिया, सेनेगल, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, एरिट्रिया, इथोपिया. इस कंट्रीज़ को भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो मैप के माध्यम से इसको हम समझ रहे हैं. और आप ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से कंट्रीज इसका पार्ट है. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्वेज कैनाल. तो स्वेज कैनाल न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा कि एक बड़ा सा जहाज कंटेनर जो शिप था वो स्टक कर गया था स्विस कैनाल में, जिसके वजह से पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पास होती है उस कैनाल से, जितना भी ट्रेड होता है वो रुक गया था. तो स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो कि एक सिल्क रूट का पार्ट भी है जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है. ये शॉर्टेस्ट वे है एशिया और यूरोप के बीच में कनेक्ट करने के लिए. ये जब बनाया गया था
फ्रेंच एंड ब्रिटेन इसको ने इन्होंने ओन किया था 87 ईयर्स के बाद, 87 ईयर तक, और ये नेशनलाइज हुआ था 1875 और 1882 में ब्रिटेन द्वारा। उके बाद 1956 में इसको फाइनली इजिप्ट द्वारा नेशनलाइज किया गया और ओवरटेक किया गया। सो सी लेवल वाटर रनिंग नॉर्थ साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्विस कैनाल। तो ये इस्थमस कह सकते हैं, अब इस्थमस क्या होता है समझते हैं इसको। इस्थमस एक ऐसा नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है दैट कनेक्ट द टू लैंड मास एंड सेपरेट्स टू वाटर बॉडी। यानी दो लैंड मास के बीच का जो एक स्ट्रिप है जो कि दो लैंड मास को कनेक्ट करता है और सेपरेट्स करता है दो वाटर बॉडी। तो ये कौन से दो वाटर बॉडी को सेपरेट करता है देखते हैं, मेडिटेरेनियन एंड रेड सी। तो इन दो बॉडी को वो सेपरेट करता है। तो ये जो स्विस कैनाल का जो स्विस का जो इस्थमस है ये तीन वाटर बॉडी से बना है, लेक मंजला, लेक तिमाश एंड बिटर लेक। तो इन तीनों लेक का नाम याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये न्यूज़ में था और ये कभी न कभी कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है, और बीपीएससी के 67 प्रीलिम्स में तो बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स में कि ये आ सकता है। इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा फैक्ट है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है आप इसको देखिएगा, स्ट्रेट क्या होता है, इस्थमस से रिलेटेड एक टॉपिक था, हम ट्राई करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की। तो आप देख सकते हैं स्विस कैनाल का जो मैप है ये पोर्ट सेड इसके नॉर्दर्न पॉइंट पे स्थित है, कहाँ पे, नॉर्दर्न पॉइंट पे स्थित है, और ये मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। देखिए नीचे आके गल्फ ऑफ स्वेज यानी रेड सी का जो पार्ट है इसको कनेक्ट करता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि किस किस पेनिनसुला को कनेक्ट करता है, ये सेनाई पेनिनसुला इसके ईस्टर्न साइड पे है और इजिप्ट इसके वेस्टर्न साइड पे है, और ये मेडिटेरेनियन और गल्फ ऑफ स्वेज जो कि रेड सी में स्थित है वो कनेक्ट करता है। कौन कौन से लेक हैं, ग्रेट बिटर लेक, लेक ऑफ मंजला जो कि इसमें स्थित है। तो ये मैप के माध्यम से हम देख सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है लेबनान। लेबनान न्यूज़ में क्यों था समझते हैं इसको, इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट वाज स्टोर्ड एट द पोर्ट ऑफ द सिटी बेरूट। तो लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरूट, इजीली पूछ सकता है मैच करने के लिए, पीसीएस के ये सब हॉट टॉपिक है और ख़ास तौर पे वो प्लेसेस जो न्यूज़ में रहते हैं हमेशा पूछे जाते हैं। बेरूट इज द कैपिटल लार्जेस्ट सिटी ऑफ लेबनान इन द कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी। तो लेबनान किस कोस्ट पे है, मेडिटेरियन सी। तो अगर आप इसको मैप के माध्यम से अभी देखिए, बेरूट और मेडिटेरियन सी इसके वेस्टर्न साइड पे है और यहाँ पे इस बेरूट में जो कि एक बहुत ही लार्ज स्केल पे एक्सप्लोजन हुआ था जो कि लगा था कि कहीं ये किसी न्यूक्लियर अटैक का तैयार तो नहीं। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप उसको समझते होंगे कितना बड़ा वो एक्सप्लोजन था। तो इसके वेस्टर्न साइड पे है मेडिटेरियन सी। तो हमेशा क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस वाटर बॉडी से रिलेटेड है ये, तो ये है मेडिटेरियन सी। मैप को ध्यान देखिए तो पता लगेगा आपको कि सी बॉर्डर शेयर करता है सीरिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाजा लाइंस पेरू। रिसेंटली अ जायंट कैट जियोग्लिफ वाज डिस्कवर्ड ऑन द हिल्स एट द नाजा लाइन साइट इन पेरू। नाजा लाइन आर ग्रुप ऑफ जियोग्लिप्स दैट इज लार्ज लाइन ड्रॉइंग दैट अपीयर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस टू बी एस्ट इन टू द अर्थ सर्फेस। दिस आर लोकेटेड ऑन द एल पैम्पा क्लोरिडा नॉर्थ वेस्ट ऑफ सिटी ऑफ नाजा इन साउथ पेरू। कहाँ पर है ये, नाजा लाइन्स पेरू। किस लिए न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे एक रिसेंटली डिस्कवर किया गया था कैट जियोग्लिफ। जियोग्लिफ क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क दैट इज लार्जर देन 4 मीटर ऑफ साइज ऑन द ग्राउंड सो दैट इट अपेयर्स दैट इट हैज़ बीन इंग्रेन और इट हैज़ बीन मेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ।
सो ये अभी एक कैट के फॉर्म का एक जियोग्लिफ मिला था जिसके वजह से न्यूज़ में था, तो इसको हम याद रखेंगे। कभी भी पूछ सकता है कि ये क्यों न्यूज़ में था, या फिर ये रिसेंटली जो कैट क्लिप जो है कहाँ से डिस्कवर हुआ है, तो ये पेरू के नाजा लाइन से डिस्कवर हुआ था। नाजा और भी एक करंट से न्यूज़ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहता है, आप इसको बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्यों ये नाजा नाजा जो है किस लिए, और ख़ास तौर पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ये हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे कि क्यों ये न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पैंटनाल। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ ब्राज़ील, बोलविया एंड पैरागुए। कहाँ पे है ये? ब्राज़ील, बोलविया एंड पैरागुए। तो इट इज जेंटली स्लोप बेसिन रिसीव रन ऑफ फ्रॉम द अपलैंड्स। अपलैंड से ये हाईलैंड जो ये प्लेनेट प्लेनल्टो हाईलैंड्स है, यहाँ से ही वाटर रिसीव करता है एंड स्लोली रिलीज द वाटर थ्रू अ पैरागुए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। सो इसको न्यूज़ में था ये, तो इसको याद रखेंगे। पेनेटन कहाँ 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 स्थित है ये? ब्राज़ील, बोलविया एंड पैरागुए। तो ये पैंटेनल कहाँ स्थित है? इन तीन देशों में। और ये कहाँ से इस एक वेटलैंड है, और वाटर कहाँ से आता है? इसमें पेनाल्टो हाईलैंड्स। तो यहाँ से ये वाटर रिसीव करता है, और कैसे जाता है वाटर बाहर? पैरागुए रिवर एंड द टेरेपट्रीज। तो ये रिवर, ये वेटलैंड और ये तीन कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे हम अपने एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, हमारा जो है वो है ट्रिस्टन द चूना। ट्रिस्टन द चूना, इट इज आइसोलेटेड यूके ओवरसीज टेरिटरी, वॉज डिक्लेयर्ड एज लार्जली फुल्ली प्रोटेक्टेड मैरिन रिजर्व। तो किस लिए न्यूज़ था ये? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मैरिन रिजर्व जो है डिक्लेयर हुआ है। ये कहाँ पे स्थित है? तो अटलांटिक ओशन में स्थित है। इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों न्यूज़ में रहा है? लार्जेस्ट फुल्ली प्रोटेक्टेड मैरिन रिजर्व्स कहाँ स्थित है? अटलांटिक ओशन। इसका एरिया इतना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दिस, और ये इंपॉर्टेंट ये है कि किसकी टेरिटरी है ये? तो ये यूके की टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी है। कहाँ स्थित है? सदर्न अटलांटिक में। तो ये किसकी टेरिटरी है? यूके की। तो देखते हैं इस टॉपिक को मैप के माध्यम से कि ये कहाँ स्थित है। तो आप देख सकते हैं इस टेरिटरी के बारे में कहाँ स्थित है ये केप टाउन से 1750 माइल की दूरी पे है, ब्रूनो एरिस से 2650, और ये फॉकलैंड आइलैंड से 2550 माइल्स के दूरी पे है। ठीक है, तो ये टेरिटरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लार्जेस्ट मरीन रिजर्व डिक्लेयर हुआ है, और ये किसकी टेरिटरी है? ये है यूके की। इसकी यूके की ओवरसीज टेरिटरी है। इसके आसपास का लोकेशन को आप देख सकते हैं, कौन कौन से आइलैंड्स इसके आसपास है? सेंट हेलेनिया, एसेंशन। तो ये कहीं ना कहीं अगर पूछ लेता है तो माइंड में रहेगा, तो हम इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इट इज़ होम टू द वर्ल्ड्स मोस्ट रिमोट ह्यूमन सेटलमेंट्स। वर्ल्ड्स मोस्ट यानी सबसे दूर दराज एरिया में जो ह्यूमन सेटलमेंट है यहाँ पे आपको मिल जाती है। इट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड मैरीन रिजर्व इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट इन अटलांटिक। सो इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ अटलांटिक में स्थित है। इसकी टेरिटरी है यूके की। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हैगिया सोफिया। हैगिया सोफिया क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ के जो प्रेजिडेंट है उन्होंने एक साइन किया है, ऑर्डर साइन किया है, जिसमें इसको मॉस्क्यू में कन्वर्ट करने की बात कही है। ये एक म्यूज़ियम था जो कि इसको मॉस्क्यू में कन्वर्ट करने की बात हुई है, ताकि इसको लोकल यूज़ कर सके प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, न्यूज़ में था, हम देख लेंगे कहाँ पे स्थित है ये। टर्की में। कहाँ पे है? टर्की में। बहुत होगा तो आप उसके प्रेसिडेंट का नाम भी याद कर सकते हैं। और ये क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज इट कन्वर्टेड इनटू मॉस्क्यू फ्रॉम द म्यूज़ियम फॉर द वर्शिप पर्पस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, सिनेको आइलैंड्स। सिनेको आइलैंड्स लोकल काउंसिल ऑफ साउथ जापान अप्रूव तो बिल चेंज द नेम ऑफ एरिया कंटेनिंग सेनेको आइलैंड। कहाँ स्थित है ये? जापान में स्थित है। दिस इज ग्रुप ऑफ अनहैबिटेड आइलैंड्स जहाँ पे आबादी नहीं मिलती है।
इन द ईस्टर्न चाइना, ईस्ट चाइना सी, कहाँ पर स्थित है ये, ईस्ट चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी। अ डिस्प्यूट, इट इज़ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन चाइना, ताइवान एंड जापान। ये तीनों कंट्री जो है इस टेरिटरी के लिए कंटेस्ट करती है। दिस आर लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ चाइना, नॉर्थ ईस्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, वेस्ट ऑफ ओकिनावा आइलैंड एंड नॉर्थ ऑफ द साउथ वेस्टर्न एंड ऑफ राइकुकू आइलैंड। सो इसको याद रखेंगे कि किसकी टेरिटरी है, ये है जापान की टेरिटरी है। कहाँ स्थित है, स्थित है साउथ ईस्ट चाइना सी में स्थित है। और ये किन किन देशों में डिस्प्यूट का कारण है, चाइना ताइवान एंड जापान को लेके इसका नाम चेंज करने की बात हुई है, इसलिए ये न्यूज़ में था। इस टॉपिक को हम देख लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो सीरीज में है, बैकाल GVD गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर, ये रशियन साइंटिस्ट द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है ये, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लार्ज अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। तो न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो है वो कहाँ स्थित किया है, बैकाल लेक में। बैकाल लेक में कहाँ स्थित किया है, तो बैकाल लेक क्या है, इट्स अ रिफ्ट लेक लोकेटेड इन द सदर्न साइबेरिया ऑफ रशिया। इट इज वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक है जो कि स्थित है रशिया में। और यहाँ पे क्या किया गया है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। न्यूट्रिनोस क्या है स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार देख के बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन सब टॉपिक्स पे एक अलग से वीडियो बने तो हम इसको कवर कर सकते हैं। न्यूट्रिनोस, न्यूट्रिनोस जो है एक टाइप ऑफ पार्टिकल होता है, लेकिन आप इसको बताएंगे थोड़ा सा इसको, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम कवर करें नेक्स्ट वीडियोस में। देखिएगा लियांग टिडोंगेंग केव, ये केव हाल ही में न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ इंडोनेशिया में था। क्यों न्यूज़ में था, कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट। तो यहाँ पे एक तरह की पेंटिंग डिस्कवर हुई है जो कि माना जा रहा है, जो कि माना जा रहा है कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट है। तो अब केव आर्ट है इसलिए न्यूज़ में है कि वो हमेशा आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लोकेशन न्यूज़ में रहते हैं, और ये हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एक हॉट प्रोबेबल टॉपिक है PPSC के लिए। तो केव इज़ अ वैली दैट इज़ इनक्लोज बाई अ स्टीप लाइमस्टोन साइड्स एंड ओनली एसेसबल बाई नैरो केव पैसेज इन अ ड्राई सीजन। इसको देखते हैं कहाँ पर हुआ है, ये साउथ सुलावेसी आइलैंड पे, साउथ सुलावेसी आइलैंड। अब ये क्या है, अब इसको हमें देखना है कि ये कहाँ पे है, और ये जो पेंटिंग है ये किस चीज़ को डिपिक्ट करती है। जो फिगर है पेंटिंग का, ये जो है वाट ए पिग, अ वाइल्ड बोर दैट इज़ एंडेमिक टू द इंडोनेशियन आइलैंड। तो ये जो एक पिग और बोर का जो एक प्रजाति है जो कि एंडेमिक है इंडोनेशियन आइलैंड पे, ये उसकी पिक्चर को डिपिक्ट करती है। और ये आइलैंड जो है, ये जो साउथ सुलावेसी आइलैंड है, यहाँ पे ये केव पेंटिंग मिली है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रेजिशन फॉर्मेशन ऑफ लियोनिंग चाइना। ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है कि इस टॉप ये यहाँ पे एक फॉसिल डिस्कवर हुआ है जो कि बताया जा रहा है कि बहुत ही पुराना फॉसिल है। और ये टॉपिक, ये फॉसिल्स कहाँ मिला है, चाइना में मिला है। कहाँ पे, इस लोकेशन देख सकते हैं, 160 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल है। और ये कहाँ, और इस प्रोविंस का नाम देख लीजिए, नियर कहाँ पे, नियर हेबी प्रोविंस। लाइकली टॉपिक आ सकता है एग्ज़ाम में, एक बार देखे रहेंगे तो आंसर शीट में मार्क करना आसान रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, लर्समन हिल, लर्समन हिल क्यों न्यूज़ में था, अब इसको देखते हैं क्यों न्यूज़ में था। ये कहाँ स्थित है, स्थित है आपके अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में। न्यूज़ में क्यों था, अ प्लांट स्पीसीज नेम बायरम बर्तनेसिस, बायरम बर्तनेसिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाई इंडिया, इंडियन बेस्ड साइंटिस्ट इन द लर्समन हिल ऑफ अंटार्कटिका। और इस, इट इज़ लोकेटेड नियर भारती। तो भारती जो इंडिया का वहाँ पे स्टेशन है वहाँ पे स्थित है ये, इसके पास में इन अंटार्कटिका में। अब आप स्टूडेंट बताएंगे कि इंडिया के और कौन कौन से जो बेस स्टेशन है अंटार्कटिक में, उनका नाम क्या है भारती के अलावा, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, केनिया साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल। तो क्या है ये, ओल्डेस्ट ह्यूमन
बरियल जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कहाँ पे, ये है केनिया में। तो ये न्यूज़ में था, 80,000 ईयर ओल्ड ग्रेव एट पंगया या सैदिक केव लोकेटेड नियर केनिया इन केनिया, द साइंटिस्ट हैव निक नेम द यंग स्टर मटोटो मीनिंग द चाइल्ड इन स्वाहिल। सो दिस 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 न्यूज़ कैन बी आज डायरेक्टली इन एग्जाम। सो आप इसको याद रखेंगे कि क्यों न्यूज़ में था और इसको निक नेम क्यों दिया गया है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, किवू रीजन। अब किवू रीजन कहाँ पे लोकेटेड है और ये न्यूज़ में क्यों था, इसको समझते हैं हम लोग। तो किवू रीजन लोकेटेड इन द ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन अफ्रीका एंड इट हैज़ बीन मार्ड विथ एथनिक वॉर ओवर राइट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे वॉयलेंस दिखी है यहाँ पे हाल ही में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार को लेके। किवू रीजन कहाँ, इस रीजन ऑफ डीआरसी बॉर्डरिंग द कंट्रीज। अब कौन कौन से कंट्री कंट्रीज़ को बॉर्डर करते हैं इसको देख लेते हैं, इसको देखते हैं। बुरुंडी, रवांडा, तंजानिया एंड युगांडा। सो इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है ये है, इसके आसपास का जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पूछ सकता है। द क्यू रीजन रिप्रेजेंट अ हाई पॉइंट इन द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो ये कहीं ना कहीं उसके आसपास के एरिया है। लेक क्यू, लेक क्यू इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका सिचुएटेड बिटवीन डीआरसी टू द वेस्ट एंड रवांडा इन द ईस्ट। तो देखते हैं इसका मैप। सो ये आप देख सकते हैं मैप में, लेक क्यू जो है, लेक क्यू है उसके आसपास के एरिया को देखिए कौन कौन से लेक्स और यहाँ पर मौजूद हैं। लेक विक्टोरिया जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेक है, कई रिवर्स का ओरिजिन यहाँ पे है अफ्रीका में। लेक तंगनीका, लेक तंगनीका, लेक तंगनीका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। लेक रुकवा, लेक रुकवा, लेक मेवेरू। अब कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कभी भी इसको पूछा जा सकता है, इन सब लेक्स को ऑर्डर में लगाने के लिए, ऑर्डर में लगाने के लिए। तो अगर आपने मैप पे इसको देखा होगा तो ईजिली इस टॉपिक को आप कर पाएंगे अटेम्प्ट। तो और एक कौन सा लेक है इम्पॉर्टेंट, लेक मलवाई, लेक मलवाई। सो इस सीरीज़ में लेक मलवाई साउथ से लेके लेक रुकवा, लेक रुकवा, लेक मवेरू, लेक मवेरू, लेक तेंगनीका, ये भी अभी हाल ही में न्यूज़ में था। इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्यों न्यूज़ में था और इसके आसपास के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है कौन कौन से हैं, इनसे कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है ये भी हम लोग देख सकते हैं। और इनके जो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ इसके जो लोकेशन है इसको हम इजीली समझ के और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है नागोर्नो कारबाग रीजन। नागोर्नो कारबाग रीजन वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज बिकॉज ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो ये जो रीजन है हाल ही में क्लैश की वजह से न्यूज़ में था, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस रीजन को लेके। तो यहाँ पे आपस में मिलिट्री ने क्लैश किया और कई यहाँ पे कैजुअल्टीज हुई। तो ये जो रीजन है इज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान बट इस पॉपुलेशन इज मेजोरिटी ऑफ आर्मेनियन। तो हाल ही फिर उसके बाद से यहाँ पे रसिया ने इंटरवेंशन के बाद यहाँ पे स्टैंड स्टिल बना कर रखा, एग्रीमेंट करवाया, जिसकी वजह से ये रीजन न्यूज़ में था और इसको मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं ये रीजन। तो आप देख सकते हैं ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है और ये जो रीजन है आपका ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि माना जा रहा है कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में है। और रशिया ये एक्चुअली पहले ही जो ये यूएसएसआर का पार्ट थे, जब 1990s में जिस समय यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद से कई 15 कंट्रीज़ ने अलग अलग अपनी सॉवरेंटी इस्टेब्लिश की, उसके बाद से ये रीजन न्यूज़ में था। रशिया के इंटरवेंशन के बाद से यहाँ पे स्टेंटिल अभी है इस समय। ये देखते हैं कि इसके ये किस अजरबैजान के आसपास कौन सा सी है। सो आप देख सकते हैं कि कैस्पियन सी को बॉर्डर करता है और इसके बॉर्डर कहाँ कहाँ लगते हैं दोनों कंट्रीज़ के, रसिया में लगते हैं और जियोर्जिया में लगते हैं और इसके वेस्टर्न साइड में टर्की इसको बॉर्डर करता है। हाँ, तो इसके सारे लोकेशन को हम देख लेंगे ताकि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ईज़िली हम इसको
साउथ वेस्टर्न साइड में इसका जो है साउथ साइड में ईरान बॉर्डर करता है। और इसकी जो ये देख लीजिए इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन सी है, बाकू, बाकू यहाँ पे है ठीक है, और यहाँ पे यर्मन ठीक है, कैस्पियन सी इसके ईस्टर्न साइड पे है। ये हम सब लोकेशन देखेंगे ताकि कभी भी एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, बॉर्डरिंग स्टेट पूछता है, वाटर बॉडी पूछता है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी पूछता है, इन सब टॉपिक को हम कवर कर रखेंगे। डायरेक्शन पूछ लेता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ क्या लोकेटेड है, तो इसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो कि न्यूज़ में रहा है क्योंकि एक बहुत ही मेजर इवेंट हुआ, नोवाया जमाइला जो है न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि रसिया ने यहाँ पे द मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन बम टेस्ट किया है। हाइड्रोजन बम रसिया ने क्या किया है, मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन टेस्ट किया कहाँ पे, नोवाया जमाइला जिस इन आर्किपेलागो और आइलैंड ऑफ रसिया, इट्स सिचुएटेड इन आर्कटिक ओशन में सिचुएटेड है, जहाँ पे रसिया ने एक हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया है। इट इज एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, इट हाउसेज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप लाइंग एट द केप फ्लिसिंग स्काई टू वेस्ट लाइज द बैरेंट सी। वेस्ट में क्या है इसके, बैरेंट सी है, एंड ईस्ट में क्या है, कारा सी है। इट इज़ कम्पोज ऑफ टू मेन आइलैंड, नॉर्दर्न सेवर्नी आइलैंड एंड सदर्न जेनेचो आइलैंड, विच इज सेपरेटेड बाई द टैक्सकिन स्ट्रेट। इसको हम देखेंगे मैप के माध्यम से इसकी लोकेशन क्या है, ताकि तो आप देख सकते हैं ये रहा कारासी, ये रहा कारासी जो कि नॉर्थ में स्थित है, ये रहा बैरेंट सी ठीक है, ये हमारा आइलैंड है जहाँ पे टेस्ट किया है। और मेन लैंड से ये किसको सेपरेट करता है, कौन सा स्टेट है यहाँ पे, कारा स्टेट जो कि इस आइलैंड को मेन लैंड से रसिया के सेपरेट करता है। यहाँ पे दो रिवर्स भी हैं, इसको हम इजीली देख सकते हैं, कभी एग्जाम में अगर इसने पूछना चाहा रिवर्स से रिलेटेड इसके आसपास, तो ऑब रिवर हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। पोर्ट्स को चेक कर सकते हैं कौन कौन से पोर्ट्स यहाँ पे हैं, और साइबेरिया से इसके लोकेशन क्या है हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये टॉपिक हमारा है, न्यूज़ में था क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब्स की टेस्टिंग हुई है, किसने किया है, रसिया ने किया है। सो फ्रेंड्स, आप इसे जानते होंगे कि एजुकेशन निकेतन ने अपना 167 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है, दोनों माध्यम में इंग्लिश और हिंदी में। हमने यहाँ पे 10 टेस्ट लॉन्च किए इंग्लिश मीडियम के लिए, जो कि 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर को खत्म स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करना, तो आप इस टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट में हमने स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की है। आप इसको कूपन कोड के साथ 500 रुपये में इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के लिए 250 रुपीज़ में है। ये 10 फुल लेंथ टेस्ट है जो कि एकदम बीपीएससी के लाइन पे फ्रेम किए हुए क्वेश्चन हैं, और ये 150 क्वेश्चंस के सेट है जो कि एक एक्सपर्ट ग्रुप के सुपरविज़न में क्रिएट किया गया है, ख़ास तौर पे बीपीएससी के एग्ज़ाम को माइंड में रख के। ये कोई शॉर्ट टेस्ट नहीं है जो कि सेक्शनल बेस्ड होते हैं, ये फुल एंड टेस्ट हैं जिसको अटेम्प्ट करके आप कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे, और आपको लगेगा कि आप एक मेन एग्ज़ाम को किस तरीके से हैंड प्रेशर को कैसे हैंडल किया सकता है। इस टेस्ट सीरीज को आप एजुकेशन निकेतन ऐप से आप जाके एक्सेस कर सकते हैं, जो कि गूगल स्टोर पर अवेलेबल है। थर्ड आप सर्च करेंगे एजुकेशन निकेतन, तो थर्ड स्पॉट पर ये एजुकेशन निकेतन ऐप शो करता है। आप इस ऐप को यूज़ करिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो सीरीज़ था का सेकंड वीडियो, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शंस में, और नेक्स्ट टॉपिक्स आप
किन इशूज़ पे आप देखना चाहते हैं, जो भी आपके क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।